गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, दिस इज रोहित संतवानी, वेलकम्स यू ऑल इन करियर पॉइंट यूट्यूब चैनल। और जैसा कि आपको पता है, हम ट्राइंगल्स के दो लेक्चर कर चुके हैं और उसमें हमने बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, एरिया ऑफ सिमिलर फिगर ये देख चुके थे। आज हम एक इंपॉर्टेंट थ्योरम पढ़ने चाह रहे हैं जिसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम। ऑल दो इस थ्योरम से आप लोग क्लास 8 से फेमिलियर है, बट इस 10th क्लास में हम इस सिमिलर ट्राइंगल से इसका प्रूफ भी देखेंगे और ये प्रूफ हर साल क्लास 10th के बोर्ड एग्जामिनेशन में आपका आता ही आता है 4 मार्क्स में, और 3 या 4 बार आ चुका है। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रूफ है। इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन है वो भी सारे इंपॉर्टेंट ही हैं, क्योंकि वो सारे भी कहीं ना बहुत बार बोर्ड में आ चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर और देखते हैं पहले पाइथागोरस थ्योरम है क्या। जैसा कि आपको पता है, ट्राइंगल में किसी भी स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। फॉर एग्जाम्पल, यहां पे गिवन फिगर है, ये जो एंगल है ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के अपोजिट वाली होती है आपकी हाइपोटेनस। तो उससे कंडीशन आती है हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, दैट इज योर पाइथागोरस थ्योरम। एसी स्क्वायर इक्वल्स टू एबी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर, ये आपकी पाइथागोरस थ्योरम है। अब इसका प्रूफ देखते हैं। ये आपको राइट ट्राइंगल गिवन है, इसमें हम क्या करेंगे, बी से एक डी पर, एसी पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, कंस्ट्रक्शन में लिख देते हैं, ड्रॉ बी डी परपेंडिकुलर टू एसी। क्लियर? अब देखो, इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए बी सी, इन दोनों ट्राइंगल की बात करें तो सबसे पहले आपका एंगल ए दोनों में कॉमन आ रहा है, एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल ए कॉमन। दूसरा आपका एंगल बी जो है वो एंगल डी के 90 डिग्री के इक्वल आ रहा है, तो हम लिख सकते हैं एंगल ए बी डी इज इक्वल्स टू एंगल ए डी बी इज इक्वल्स टू एंगल ए बी सी। क्लियर? इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो बाय डबल ए क्राइटेरिया ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, सिमिलर। डबल ए ट्राइंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए सी बी। क्लियर? अब अगर ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उसकी साइड्स क्या होंगी, प्रोपोर्शनल। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, ए बी बाय ए सी इक्वल्स टू बी डी बाय सी बी सी और लास्ट में ए डी बाय ए बी। अगर मैं इन दोनों को लूं, फर्स्ट और थर्ड को, तो यहां से एक कंडीशन निकल के आ रही है, ये इससे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ए बी स्क्वायर कितना आ रहा है, ए सी इंटू ए डी, तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी इंटू ए बी। क्लियर? ये आपके पास पहली कंडीशन आ गई, फर्स्ट इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं। अब इस ट्राइंगल को लेते हैं, ट्राइंगल बी डी सी और ट्राइंगल आपका होगा ए बी सी, ये ट्राइंगल ले लेते हैं, पूरा ट्राइंगल ले लिया। यहां पर एंगल डी इज इक्वल्स टू क्या होगा, एंगल बी। दूसरा आपका एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल सी कॉमन, ये दोनों तो 90 डिग्री थे, तो यहां से हम इसको लिख सकते हैं therefore by double A triangle BDC is similar to triangle ABC। और अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो यहां से फिर एक कंडीशन आपके पास आपको अब मिल रही होगी, BD by AB is equals to DC by BC is equals to BC by AC। यहां से इन दो से हम यहां क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो बी सी स्क्वायर आ गया आपका ए सी इंटू डी सी, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2। क्लियर? प्रूफ क्या करना है हमें, ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, तो अब ए बी स्क्वायर मिल गया, बी सी स्क्वायर मिल गया, दोनों का एडिशन चाहिए ना प्रूफ में। प्रूफ देखते हुए चलेंगे तो आराम से प्रूफ होती है चीजें। तो फर्स्ट और सेकेंड को एड कर दें, एड 1 एंड 2, यहां से आपको मिलेगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी इंटू ए बी प्लस ए सी इंटू डी सी। क्लियर? यहां से आपकी कंडीशन आ गई, ए सी इंटू ए डी, सॉरी ए सी इंटू ए डी है,
ठीक है। अब यहां से एसी कॉमन आ रहा है, इसको एडी लिख देते हैं, यहां से एसी कॉमन लिया तो आ रहा है एडी प्लस डीसी, और एडी प्लस डीसी अपने आप में क्या है, एसी। तो हम यहां से लिख सकते हैं एसी इंटू एसी क्या हो गया, एसी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। यही आपकी पाइथागोरस थ्योरम है और ये पूरा कंप्लीट उसका प्रूफ है। ये क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स में बहुत बार बोर्ड में आ चुका है, तो थ्योरम का प्रूफ इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। ध्यान क्या रखना है, बस एक कंस्ट्रक्शन करना है परपेंडिकुलर का, उसके बाद इस ट्राइंगल को पूरे ट्राइंगल के सिमिलर, उससे एक कंडीशन आई जो इक्वेशन नंबर 1 मानी थी हमने, और फिर इस दूसरे ट्राइंगल को पूरे ट्राइंगल के सिमिलर, उससे भी एक कंडीशन आई। दोनों कंडीशन को एड करेंगे तो हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम आ जाएगी। क्लियर, नोट कर लीजिए आपसे। अब इसका कन्वर्स भी है, कन्वर्स यही कहता है कि अगर स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स, तो एंगल जो अपोजिट होगा फर्स्ट साइड के वो क्या होगा, 90 डिग्री। मतलब अभी तक अगर हमें ये कंडीशन दे दी जाए दैट ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, तो यहां से जो इस साइड के अपोजिट एंगल है वो क्या होगा, 90 डिग्री। यही आपका कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम है। क्लियर, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, इसका प्रूफ इतना नहीं आता, जो प्रूफ आता है वो मैं बता चुका, नोट देख लीजिए। अच्छा, अब एक नेक्स्ट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑल्दो हम इस चीज को प्रूफ भी कर चुके हैं अभी पाइथागोरस थ्योरम में, कि अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल में राइट एंगल्ड वर्टेक्स से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो थर्ड साइड पे, तो ये जो दो ट्राइंगल बनते हैं, मतलब ट्राइंगल एबीडी जो होगा वो सिमिलर होगा एबीसी के, और ट्राइंगल बीडीसी भी है जो सिमिलर होगा एबीसी के, और ये दोनों ट्राइंगल आपस में भी सिमिलर होते हैं, दैट इज ट्राइंगल एबीडी इज सिमिलर टू ट्राइंगल बीडीसी। ये आपके पास तीनों कंडीशन है, और यही पॉइंट यहां मेंशन है कि अगर एक वर्टेक्स राइट एंगल वर्टेक्स से परपेंडिकुलर हाइपोटेनस पे ड्रॉ किया जा रहा है, तो फिर वो दोनों ट्राइंगल जो बड़ा ट्राइंगल है एबीसी उसके भी सिमिलर होंगे और आपस में भी एक दूसरे के सिमिलर होंगे। क्लियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चंस में काम आएगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन है, पी क्यू आर इज अ राइट ट्राइंगल राइट एंगल एट पी एम इज अ पॉइंट। सबसे पहला काम क्या करना है, फिगर बनाने का, तो जो जो गिवन कंडीशन है उससे फिगर बना लेते हैं। पी क्यू आर को राइट एंगल बोल रखा है, पी राइट एंगल है, ठीक है। एम इज अ पॉइंट सच दैट पी एम परपेंडिकुलर टू क्यू आर। आपको जो शो करना है वो ये करना है, पी एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्यू एम इंटू एम आर, ये आपको प्रूफ करना है। अब देखिए, मैंने आपको अभी एक चीज लिखवाई कि जो ट्राइंगल्स हैं वो बड़े ट्राइंगल के भी सिमिलर हैं और आपस में एक दूसरे के भी सिमिलर हैं, वो पॉइंट यही काम आएगा। क्लियर, कैसे, देखिए ट्राइंगल पी एम आर इज सिमिलर टू ट्राइंगल क्यू एम पी। क्लियर, ये पहले पॉइंट बता चुका हूं और प्रूफ भी पाइथागोरस थ्योरम में प्रूफ भी करा चुका हूं इस चीज को। तो दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर है, तो इससे क्या आ जाएगा, पी एम बाय क्यू एम इज इक्वल्स टू एम आर बाय एम पी। यहां से दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो क्या आ जाएगा, पी एम स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू एम इंटू एम आर। वो पॉइंट बताने का रीजन यही था ताकि आप इसको इजिली प्रूव कर सके, और ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, बस ध्यान आपको यही कंडीशन का रखना था। जब भी ऐसा फिगर आए तो ये दो बातें जरूर ध्यान रखनी है कि जो दोनों छोटे ट्राइंगल्स हैं वो इस कंप्लीट राइट एंगल ट्राइंगल के सिमिलर होंगे और दोनों आपस में भी सिमिलर होंगे, उसी कंडीशन को यूज करके हमने प्रूफ कर लिया, नोट कर लीजिए आपसे। ट्राइंगल एबीसी इज एन आइसोसेलस ट्राइंगल राइट एंगल्ड एट सी, प्रूव दैट ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ए सी स्क्वायर। गिविन क्या है, ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलस सॉरी ये आपको गिविन है। अब अगर आप एक चीज देखोगे, आइसोसेलस है राइट एंगल डेट सी, तो यहां से आपके पास कंडीशन क्या आएगी, देखिए
राइट एंगल डेट सी है आइसोसेलेस है, तो हाइपोटेनस किसी साइड की इक्वल नहीं होंगी, ये दो साइड्स आपस में इक्वल हो सकती हैं, दैट इज ए सी इक्वल्स टू बी सी। और अगर आइसोसेलेस है तो बेस एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल, दैट इज एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी। यहां से एक कंडीशन हमें निकल के आ गई, क्लियर। अब हमें प्रूफ जो करना है वो ये है, ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ए सी स्क्वायर, ये हमें कंडीशन प्रूफ करनी है। तो अब देखिए ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ए सी स्क्वायर देखा है, हमें पता है राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हम क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। तो अप्लाई करते हैं यहां पर पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम हम क्या लिखेंगे, ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। बट हमें जो कंडीशन है वो क्या है, ए सी और बी सी तो आपस में इक्वल है, तो हम इसे लिखेंगे ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, दैट इज ट्वाइस ऑफ ए सी स्क्वायर, और ये आपका प्रूव्ड हो गया, हैंस प्रूव्ड। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, और बहुत इजी प्रूविंग है, ऐसा कोई डिफिकल्ट नहीं, बट एनसीईआरटी क्वेश्चन है, बहुत सिंपल तरीके से हमने इसको प्रूव कर लिया। नोट कर लीजिए आपसे, इन द फिगर ओ इज अ पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी, ओ डी परपेंडिकुलर ए बी सी, ओ ई परपेंडिकुलर ए सी, ओ एफ परपेंडिकुलर ए बी, ये भी एनसीईआरटी का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए प्रूव ये करना है, सबसे पहले तो हम फिगर रीड्रॉ कर लेते हैं, OD, OE, OF, क्लियर, ये जो हमारा फिगर है। अब आपको जो प्रूफ करना है, पहला प्रूफ देख लेते हैं, वो है OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर। माइनस OD स्क्वायर, OE स्क्वायर और OF स्क्वायर इक्वल्स टू AF स्क्वायर प्लस बी डी प्लस सी स्क्वायर। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट का ध्यान क्या रखना है कि क्वेश्चन आ जाए ऐसा तो हमें कैसे पता पड़े पाइथागोरस लगानी है, तो देखिए 90 डिग्री है उससे तो पता ही पड़ ही रहा है, और दूसरी चीज जब भी साइड में स्क्वायर हो, मतलब साइड्स स्क्वायर में गिवन हो, तो समझ जाना है कि हमें पाइथागोरस थ्योरम को कहीं ना कहीं यूज करना पड़ेगा। आगे जाके कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे जहां आपको 90 डिग्री नजर नहीं आएगा, तो वहां आपको ऐसे क्वेश्चन जब भी दिखें स्क्वायर वाले, तो एक 90 डिग्री की लाइन कंस्ट्रक्ट करनी पड़ेगी, मतलब एक परपेंडिकुलर कंस्ट्रक्ट करके ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। यहां तो हमें क्लियरली दिख रहा है, लेकिन अब दिक्कत यह है कि ट्राइंगल बन नहीं रहे, तो मैं कंस्ट्रक्शन में क्या करता हूं, इनको ज्वाइन कर देता हूं। मैंने कंस्ट्रक्शन में लिख दिया ज्वाइन OA, OB और OC, क्लियर, ये लिख दिया। अब सबसे पहले मैं ट्राइंगल लेता हूं AOF, इन ट्राइंगल AOF, इससे हमें क्या मिलेगा, आपके पास पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे OA स्क्वायर इक्वल्स टू OF स्क्वायर प्लस AF स्क्वायर, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इन ट्राइंगल सेकेंड ले लेते हैं, क्या चाहिए, OB चाहिए, और OB के साथ क्या चाहिए, OD, तो हम लिख देते हैं इन ट्राइंगल OBD, तो यहां से हम क्या लिखेंगे OB स्क्वायर इक्वल्स टू OD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2। सिमिलरली अब क्या चाहिए आपको, CE चाहिए, तो हम ट्राइंगल ले लेते हैं OEC, इन ट्राइंगल OEC, तो यहां से हमें क्या मिलेगा, ये 90 डिग्री है ही, तो OC स्क्वायर इक्वल्स टू OE स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर, ये आपकी इक्वेशन नंबर 3। अब फर्स्ट सेकेंड और थर्ड से OA OB OC मिल गया, तो ऐड कर देते हैं तीनों इक्वेशन को, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, इससे हमें मिलेगा OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर इक्वल्स टू OF स्क्वायर OE स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर प्लस AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर, क्लियर। अब आप कंफ्यूज मत होना कि हमने यही ट्राइंगल्स क्यों लिए, रीजन यही है कि हमें जो प्रूफ करना होता है हम सिर्फ प्रूफ देख के चलते हैं,
मुझे प्रूफ में सीई चाहिए था, मुझे प्रूफ में ये सीडी नहीं चाहिए था, तो मैंने अभी ये वाला ट्राइंगल नहीं लिया। ऑल दो नेक्स्ट प्रूफ में हमें जो सेकंड पार्ट प्रूफ करना है वहां रिक्वायर्ड होगा, बट यहां जो प्रूफ करना है उस अकॉर्डिंग चलना है। जो भी जब भी क्वेश्चन प्रूफ का करो तो ये देखो कि आपको टू प्रूफ में लाना क्या है और उसी अकॉर्डिंग एक्ट करो। मैंने वही तीन ट्राइंगल लेने का सिर्फ और सिर्फ रीजन इतना है कि मेरे पास प्रूफ में ये तीन साइड्स थी और ये तीन साइड मेरे को इन तीन ट्राइंगल से ही मिल रही थी, इसलिए मैंने ये तीनों ही लिए। अब आप इजीली इसको, ये तीनों साइड इधर आके नेगेटिव हो जाएंगी और आपका आंसर जो फर्स्ट पॉइंट है वो प्रूफ हो गया। क्लियर, ये आपका फर्स्ट पार्ट बहुत इजीली प्रूफ हो गया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब एक बार ड्रैगन वापस से रिड्रॉ कर लेते हैं, जो सेकंड पार्ट है उसमें भी कुछ ऐसा ही प्रूव करना है। यहां तीन परपेंडिकुलर है, ये कंस्ट्रक्शन में हम लिख चुके थे, ज्वाइन करना है। सेकंड पार्ट में प्रूफ करना है कि ये जो आरएचएस आई इसकी वो इसके इक्वल है, तो पहले ये तीन साइड हो किसके इक्वल रही है ये भी तो लाना पड़ेगा। अगर ये तीन साइड इस पूरी टर्म के इक्वल हो गई तो फिर हम दोनों को इक्वेट कर देंगे फर्स्ट और सेकंड से। तो लिख चलिए, अब वापस अब दूसरी तीन साइड चाहिए तो लेते हैं इन ट्राइंगल ओ ए ई, यहां से हमें क्या मिलेगा ओ ए स्क्वायर इक्वल्स टू ओ ई स्क्वायर प्लस ए ई स्क्वायर, ये आपकी इक्वेशन वन। फिर दूसरा ट्राइंगल लेते हैं ओ एफ बी, यहां से हमें लेगा ओ बी स्क्वायर इक्वल्स टू ओ एफ स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर, ये आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड। पहले ये ले चुके थे ओ सी वाला, तो आप ट्राइंगल थर्ड ले लेते हैं इन ट्राइंगल ओ डी सी, ओ सी स्क्वायर इक्वल्स टू ओ डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, यह आपकी इक्वेशन नंबर थर्ड। वापस तीनों को ऐड कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं पहले वाला प्रूफ जैसा ही बन जाएगा, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर इक्वल्स टू, इस बार आएगा ए ई स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। क्लियर, और पहले जो हमने प्रूफ किया था किसके इक्वल आया था, तो हम यहां लिख देते हैं प्रूव्ड फ्रॉम प्रूफ फर्स्ट, ये पूरी लाइन किसके इक्वल थी ए एफ स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, और ये किसके इक्वल हो जाएगा इक्वल्स टू ए ई स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, यही आपका सेकंड पार्ट प्रूफ करने का था। बहुत इजी सा क्वेश्चन था, सिंपल सी पाइथागोरस थ्योरम लगी, ट्राइंगल सेलेक्ट करना इंपॉर्टेंट था, तो ट्राइंगल मैंने इस तरह से सेलेक्ट की है कि जो मुझे प्रूफ में लाना है उस अकॉर्डिंग ही मैंने एक्ट किया। आपको भी जब भी ऐसे किसी क्वेश्चन में फंस जाओ तो देखो कि प्रूफ में लाना क्या है और फिर उसी अकॉर्डिंग एक्ट करते हुए आपको सॉल्व करते जाना है। क्लियर, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है परपेंडिकुलर फ्रॉम साइड ऑन बीसी ऑफ अ ट्राइंगल इंटरसेक्ट बीसी एट डी such that DB equals to thrice of CD, prove that 2AB square equal to 2AC square plus BC square। ये दो या तीन क्वेश्चन ऐसे हैं जो एक्सरसाइज 6.5, जो आपकी ट्राइंगल्स की 6.5 एक्सरसाइज है, उसके वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनमें से ये भी एक है। देखिए कैसे करना है इसको, यहां आपको एक परपेंडिकुलर दे दिया, गिवन कंडीशन क्या है DB इक्वल्स टू थ्राइस ऑफ CD, और प्रूफ क्या करना है ये पूरी कंडीशन, ये आपको कंडीशन प्रूफ करनी है। ठीक है, तो अब आप देखिए DB इक्वल्स टू थ्राइस ऑफ CD है, तो अगर मैं इसको लिखूं BC DB को तो मैं क्या लिख सकता हूं BC माइनस CD, और DB क्या है खुद थ्राइस ऑफ CD है, तो 3CD इक्वल्स टू BC माइनस CD, यहां से आ जाएगा BC इक्वल्स टू 4CD और CD की वैल्यू आ जाएगी BC बाय 4। अगर CD BC बाय 4 आ रहा है तो DB कितना हो जाएगा 3 बाय 4 ऑफ BC। क्लियर, सबसे पहला काम तो यही करना है कि दोनों साइड्स को पूरी BC की साइड की टर्म में हमने निकाल लिया। अब आपको इजीली क्या लगानी है पाइथागोरस, क्योंकि आपका 90 डिग्री दिख रहा है और आपके प्रूफ में भी क्या है
स्क्वायर है, तो इन ट्राइंगल ए सी डी ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, क्लियर। ये आपकी इक्वेशन नंबर क्या बन गई, फर्स्ट। सिमिलरली इन ट्राइंगल ए बी डी ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, यह आपकी बन गई इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब देखिए यहां तक तो आप कर लेते हो, कंफ्यूजन होता है प्रूफ लाने में। तो देखिए प्रूफ में ए बी और ए सी अपोजिट साइड है, तो हम इन इक्वेशंस को ऐड करेंगे नहीं। दूसरा, मेरे को प्रूफ में ए डी का कहीं से कहीं तक रोल नहीं है, और मेरे पास जो वैल्यू है बी डी सी डी की बी सी में मैं निकाल चुका हूं जो मुझे प्रूफ में लाना है। तो मैं क्या करूंगा, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो मैं लिख देता हूं इक्वेशन टू माइनस इक्वेशन वन, क्लियर। इक्वेशन टू माइनस इक्वेशन वन, तो यहां से आएगा ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू बी डी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर, और बी डी की वैल्यू कितनी थी, 3/4 बी सी, तो ये स्क्वायर होके हो जाएगी 9/16 बी सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर बाय 16, क्योंकि इसकी वैल्यू थी 1/4। एलसीएम सेम आएगा 16, ये बन जाएगा 8 बी सी स्क्वायर, 2 टाइम कैंसिल हुआ और 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहां से हमारे पास आ गया ट्वाइस ऑफ ए बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू बी सी का स्क्वायर। यहां से ट्वाइस ऑफ ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यही आपको प्रूफ करना था, क्लियर। सिंपल सा प्रूफ था, जो जो गिवन कंडीशन थी उस अकॉर्डिंग चले, फिर जो प्रूफ करना था उस अकॉर्डिंग मैंने इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट किया है, क्लियर, नोट कर लीजिए आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये बोर्ड में आपका बहुत बार आ चुका है क्वेश्चन, और आप स्टूडेंट को थोड़ा टिपिकल सा लगता है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, बहुत सिंपल सा प्रूफ है। करते हैं स्टार्ट, कैसे करना है देखते हैं। चले सबसे पहले इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, जो गिवन कंडीशन है वो देखिए, इक्विलेटरल बोला तो ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू ए सी एंगल ए बी सी 60 डिग्री, जो जो इंफॉर्मेशन मिल जाए क्वेश्चन से वो लीजिए। D इज अ पॉइंट ऑन साइड बी सी सच दैट बी डी इक्वल्स टू 1/3 बी सी, ये भी आपको गिवेन है। तो बी डी अगर दे रखा है तो डी सी कितना हो जाएगा, 2/3 ऑफ बी सी, ये हमने इस गिवन कंडीशन से निकाल दिया। प्रूफ आपको दे रखा है 9 ए डी स्क्वायर इक्वल्स टू 7 ए बी स्क्वायर, ठीक है, ये आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। तो चलिए इधर पहले ट्राइंगल बना लेते हैं, करना क्या है फिर देख लेंगे। यहां हमने एक ट्राइंगल बनाया ए बी सी, ठीक है, बी डी आपको दे रखा था 1/3 बी सी। अब इधर मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, रीजन कि मेरे को जो लानी है वो स्क्वायर ऑफ साइड्स लानी है, और स्क्वायर से मेरे को याद आती है पाइथागोरस थ्योरम, बट पाइथागोरस के लिए रिक्वायरमेंट किसकी है, 90 डिग्री की, और इस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर क्वेश्चन में बोल नहीं रखा था, तो हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, क्लियर। अब हमें क्या लाना है, ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू ए सी है, तो सबसे पहले बी डी इक्वल्स टू 1/3 बी सी लगाते हैं, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं, इन ट्राइंगल एईसी ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए ई स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर, ये पहली इक्वेशन हो गई। दूसरा, एक और जगह लग रही है इन ट्राइंगल ए डी ई, जहां जहां पाइथागोरस लग रही है वो लगा दो पहले, क्लियर। अब थर्ड ट्राइंगल कौन सा है, ए बी ई, तो यहां क्या लिखेंगे, ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए ई स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर, ये तो हमने पाइथागोरस तीनों ट्राइंगल्स में अप्लाई कर दी। लेकिन प्रूफ क्या करना है, ए डी इक्वल्स टू 7 ए बी स्क्वायर, तो ए डी को ए बी की टर्म में लाना है, तो और अगर दो इक्वेशन को माइनस करता हूं तो डी और बी आ जाएगा। हमने जो परपेंडिकुलर बनाया है, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में एक प्रॉपर्टी होती है कि परपेंडिकुलर जो होता है वही उसका मीडियन भी होता है, तो मीडियन है, तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं, बी ई इक्वल्स टू
ईसी इक्वल्स टू बी सी बाय टू। क्लियर, समझ आया रीजन? क्योंकि ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल क्वेश्चन में गिवन था, इसलिए जो हमारा परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ है वही आपका मीडियन भी होगा। तो अब यहां से आ चुकी है इक्वेशन, तो इसमें से इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर लें तो हमें कुछ मिल जाएगा, ए बी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर। जो प्रूफ है उस अकॉर्डिंग चल लेते हैं। यहां से ए और ए तो कैंसिल, और इसको क्या लिख देंगे, बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ये हमने इसको लिख लिया। क्लियर, लेकिन अब अगर आप देखो तो डी की वैल्यू तो हमारे पास है नहीं, और डी का हमारे पास रिक्वायरमेंट भी नहीं है। बी की वैल्यू बीसी के टर्म में तो है, और इक्विलेटरल ट्राइंगल से बीसी एबी के इक्वल है तो प्रूफ आ सकता है, लेकिन डी को हटाना पड़ेगा। डी को मैं क्या लिख सकता हूं, डीसी माइनस ईसी लिख देते हैं, डीसी माइनस ईसी। क्लियर, इसको अब सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा। यहां से आप देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा, तो ये हो जाएगा डीसी स्क्वायर प्लस ईसी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ डीसी इंटू ईसी। क्लियर, ये हो गया। अच्छा, अब हमें तो क्या करना है, डीसी की वैल्यू कितनी है, डीसी की वैल्यू आपके पास कितनी है, टू बाय थ्री ऑफ बीसी, तो पुट कर देते हैं उसको भी। ठीक है, ईसी आपका वही बीसी स्क्वायर बाय फोर है, ट्वाइस ऑफ डीसी इंटू ईसी, यानी बीसी डीसी की वैल्यू टू बाय थ्री है, तो टू बाय थ्री, इसको थोड़ा मैं थोड़ा और सॉल्व कर लेता हूं यहां पे, बीसी स्क्वायर बाय फोर माइनस डीसी स्क्वायर आया तो फोर बाय नाइन बीसी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर बाय फोर माइनस टू इंटू टू बाय थ्री ऑफ बीसी, और ईसी को लिख दिया मैंने बीसी बाय टू। क्लियर, ये मैंने स्टेप्स ऐसे इसलिए कर दिए ताकि मुझे सारी जो इक्वेशन है वो बीसी के टर्म में मिल गई। इसको फर्दर और सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा आपके पास टू से टू कैंसिल, टू बाय थ्री ऑफ बीसी स्क्वायर। ठीक है, यहां तक क्लियर है, इसको आप नोट कर लीजिए, मैं ये वाला पार्ट फिर इरेज कर देता हूं। अब देखिए, इसको अगर फर्दर सॉल्व करने जाओगे तो आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, तो जैसे हमने एलसीएम लिया तो यह हमारे पास एलसीएम आएगा 9 4 जा 36, और इसको अगर सॉल्व करोगे तो 9 बीसी स्क्वायर माइनस 4 बीसी स्क्वायर प्लस 9 बीसी स्क्वायर, और फिर इधर 3 12 जा तो 12 2 जा 24 बीसी स्क्वायर, 9 9 18 18 माइनस 28, यहां से आ गया आपके पास माइनस का 10 बीसी स्क्वायर बाय 36, दैट इज 5 बाय 18। क्लियर, लेकिन हमें तो क्या लाना है, ए बी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर को हम क्या, ए डी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ए बी स्क्वायर प्लस 5 बीसी स्क्वायर बाय 18। क्लियर, एक बार थोड़ा कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं, सॉरी ये प्लस होगा, तो ये प्लस 24 बीसी स्क्वायर है 18, और 18 प्लस 20 आपके पास आ जाएगा 38। यहां से एक बार वापस कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं, बीसी स्क्वायर बाय 4 बीसी स्क्वायर बाय 4, तो ये हो जाएगा बीसी स्क्वायर बाय 2, और प्लस 3 और 9 का एलसीएम लेते हैं, 9 ही आएगा तो ट्वाइस का हो जाएगा 3 3 6 बीसी स्क्वायर माइनस 4 से करेंगे तो 4 बीसी स्क्वायर, तो ये आपके पास आएगा बीसी स्क्वायर बाय 2 प्लस ट्वाइस बीसी स्क्वायर बाय 9। यहां से वापस एलसीएम लेंगे 9 का, तो यहां आपके पास आ जाएगा, सॉरी 18 का एलसीएम लेंगे, तो ये आ गया 9 बीसी स्क्वायर प्लस 4 बीसी स्क्वायर। ठीक है, अब हमें तो क्या चाहिए, ए बी स्क्वायर और ए डी स्क्वायर, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, ए बी स्क्वायर माइनस
ए बी स्क्वायर माइनस 13 बी सी स्क्वायर बाय 9 इज इक्वल्स टू आपके पास क्या था ए डी स्क्वायर, ये 18 आएगा। और इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा हमारा प्रूफ 9 ए डी स्क्वायर इक्वल्स टू 7 ए बी स्क्वायर, यही हमें प्रूफ करना था। क्लियर, क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल सा था, ध्यान क्या रखना था यहाँ पे डी और ई सी को उस बी सी की टर्म में कन्वर्ट करना था। क्लियर, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, ये आपकी ऑप्टूज एंगल थ्योरम है। ऑप्टूज एंगल थ्योरम वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है। क्लियर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है और क्वेश्चन इस फॉर्म में आता है आपका। ये थ्योरम याद भी रखनी है, इसका नेम पर्टिकुलर गिवन नहीं, बट ये आपका ऑप्शनल एक्सरसाइज 6.6 का क्वेश्चन है। तो इसमें गिवन क्या क्या है, ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू, आपको प्रूफ करना है ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ बी सी इंटू बी डी, ये आपको प्रूफ इसमें करना है। तो मैं बताता हूं इसका प्रूफ कैसा है। आपको जो प्रूफ करना है वो ये है ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ बी सी इंटू बी डी, ये आपको प्रूफ करना है। यही आपकी ऑप्टूज एंगल थ्योरम भी होती है। क्लियर, तो अब आप अगर देखो तो यहां पे ये परपेंडिकुलर है, तो इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए डी बी, यहां से हमें क्या मिलेगा ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर प्लस डी बी स्क्वायर, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर इन ट्राइंगल ए डी सी, यहां से आपको मिल जाएगा ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। लेकिन हमें ए डी का रोल तो है ही नहीं, हमें जो प्रूफ चाहिए वो ए सी और ए बी की टर्म में चाहिए। तो इक्वेशन टू माइनस इक्वेशन वन, और जैसे इसको करेंगे तो हमारे पास आएगा ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू डी सी स्क्वायर माइनस डी बी स्क्वायर। क्लियर, यहां पे पहुंच गए हम। अब डी सी को हम क्या लिख सकते हैं, डी बी प्लस बी सी, ठीक है। तो यहां से इसको लिखेंगे डी बी प्लस बी सी का होल स्क्वायर माइनस डी बी स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा बी डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ डी बी इंटू बी सी माइनस डी बी स्क्वायर, ये कैंसिल हो गए, ठीक है। तो आपका पास बी सी आ गया, डी बी आ गया और बी सी आ गया, लेकिन प्रूफ क्या चाहिए, बी सी इंटू बी डी का, और ये बी सी स्क्वायर आपके पास आ रहा है एक्स्ट्रा। तो अब अगर आप देखो तो ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू आ जाएगा यहां से ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ डी बी इंटू बी सी, और यही आपको प्रूफ करना था। और यही जो थ्योरम है ये कहलाती है ऑप्टूज एंगल थ्योरम, और ये राइट एंगल में एप्लीकेबल होती है। इसमें आपको ऐसा परपेंडिकुलर गिवन होगा, ये एंगल आपका ऑप्टूज होगा, और फिर आपको डायरेक्टली क्वेश्चन इस पे आ सकता है, ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है और सब्जेक्टिव में ये थ्योरम प्रूफ के लिए आ सकती है। क्लियर, नोट कर लीजिए। इन द फिगर ए डी इज अ मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल एंड ए एम परपेंडिकुलर टू बी सी, प्रूव दैट, ये हमें प्रूव करना है। सबसे पहले जो जो गिवन कंडीशन और अकॉर्डिंग चल लेते हैं, आपको ए डी मीडियन बोल रखा है। अब ये फिगर है, एक बार वापस स्टार्ट कर लेते हैं इसका प्रूफ, जो प्रूफ लाना था हमें वो लाना था ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर प्लस बी सी इंटू डी एम और प्लस बी सी स्क्वायर बाय टू, ये हमें प्रूफ करना था। तो अब देखिए इसमें हम ले लेते हैं ए सी इन ट्राइंगल ए सी एम, तो ये आ जाएगा आपके पास ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए एम स्क्वायर प्लस एम सी स्क्वायर। एम सी स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, एम डी प्लस डी सी का स्क्वायर, सॉल्व करते हैं इसको फर्दर, एम डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ एम डी इंटू डी सी। क्लियर, यहां से अब अगर आप देखो तो ए एम स्क्वायर प्लस ए डी एम डी स्क्वायर, ये आपका पूरा क्या बन रहा है ए डी स्क्वायर, इसमें अगर पाइथागोरस लगाओगे तो दिस प्लस दिस, तो यहां से ए सी स्क्वायर आ गया आपके पास ए डी स्क्वायर, डी सी को आप लिख सकते हो बी सी स्क्वायर बाय फोर, और इसको अगर आप देखो तो आप इसको क्या लिखोगे एम डी इंटू डी सी,
और एम डी इंटू डी सी को आप क्या लिख सकते हो, ट्वाइस ऑफ एम डी को आप क्या लिख सकते हो, एम सी प्लस डी सी, एम सी माइनस डी सी। इसको बी सी की टर्म में लिखोगे तो बी एम डी हमें चाहिए, बी सी हमें चाहिए, लेकिन डी सी नहीं चाहिए, तो ये लिख देंगे बी सी बाय टू और ये बी सी बाय टू इंटू एम डी, ये कैंसिल, तो यहां से ये चीज प्रूव हो गई, ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस बी सी इंटू एम डी, क्लियर, बी सी बाय टू का होल स्क्वायर, यही हमें प्रूफ करना था, क्लियर। अब इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं, सेकेंड पार्ट में ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर माइनस बी सी इंटू डी एम प्लस बी सी बाय टू का होल स्क्वायर। यहां आपको ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू, सेकेंड पार्ट जो है उसका वह देख लेते हैं, सेकेंड पार्ट में आपको ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर माइनस बी सी इंटू डी एम प्लस बी सी बाय टू का होल स्क्वायर, यही आपको प्रूफ करना है। बिल्कुल सिमिलर प्रूफ है, लेकिन इस बार क्या लेंगे, ए बी डी, इन ट्राइंगल ए बी डी ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर ए एम स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर, क्लियर। लेकिन हमें बी एम की वैल्यू नहीं पता, तो हम बी एम को क्या लिख सकते हैं, बी डी माइनस बी एम को हमने लिख दिया बी डी माइनस एम डी का होल स्क्वायर। यहां वापस फर्दर सॉल्व करेंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, तो ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए एम स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस एम डी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ बी एम इंटू एम सॉरी बी डी इंटू एम डी, ये हो गया। यहां से अब अगर आप देखो तो ए एम स्क्वायर प्लस एम डी स्क्वायर ये आपका वापस क्या बन जाएगा, ए डी स्क्वायर, और बी डी को आप क्या ले सकते हो, बी सी बाय टू का होल स्क्वायर। ये दो टर्म प्रूफ की आ चुकी हैं, चाहिए क्या ये वाली, तो माइनस बी डी इंटू एम डी, यहां पे आपको डीएम तो आपको चाहिए चाहिए, बी सी उसको क्या लिख सकते हैं हम, बी सी बाय टू, और ये कैंसिल होके आपके पास आपका प्रूफ आ गया। क्लियर, यही आपको प्रूफ करना था, बहुत सिंपल सा प्रूफ था, ट्राइंगल लिया उसके बाद यहां पे ये प्रॉपर्टी ये साइड को इस तरह से एक्सटेंड किया, क्योंकि प्रूफ जो चाहिए था उस अकॉर्डिंग हमें चलना है। अब नेक्स्ट देखिए, ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ट्वाइस ए डी स्क्वायर प्लस हाफ बी सी स्क्वायर। तो जो दो ये पार्ट हमने प्रूफ किए, इनसे अगर आप देखो इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करोगे, इक्वेशन इस फर्स्ट को और इस सेकंड को, तो ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर ए डी प्लस ए डी ट्वाइस ए डी स्क्वायर, ये दोनों टर्म कैंसिल और ये क्या बन जाएगा, हाफ ऑफ बी सी स्क्वायर। तो जो दो पार्ट प्रूफ किए थे उन दोनों को ऐड करते ही आपका थर्ड वाला रिजल्ट प्रूफ हो गया। क्लियर, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन है, क्योंकि मल्टीपल चॉइस आपको बता चुका हूं इस बार बोर्ड में आए हैं, तो इनको करने की अप्रोच क्या है, बहुत सिंपल सी अप्रोच है इसमें। देखिए ये फिगर देखते ही पहचान गए होंगे कि कौन सी थ्योरम यूज हो रही है, अभी प्रूफ कराई थी ऑप्टूज एंगल थ्योरम, और ऑप्टूज एंगल थ्योरम के अकॉर्डिंग हम पढ़ चुके थे, यहां जो साइड्स गिवन है वो क्या है, ए सी की वैल्यू आपके पास बी है, बी सी आपके पास ए है, और ए बी आपके पास सी है, तो हमारे पास ऑप्टूज एंगल थ्योरम के अकॉर्डिंग ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ सी इंटू ए डी, यही आएगा। लेकिन इस ए डी की वैल्यू है नहीं, और गिविन क्या कंडीशन है आपके पास, 120 डिग्री। देखिए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर सब में है, लेकिन अब ये कंडीशन पहचाननी है कि ऑप्शन इनमें से कौन सा आएगा, तो ये 120 है, तो ये आपका नेक्स्ट एंगल क्या होगा, 60 डिग्री, और यहां अब एप्लीकेबल होगी ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि ए डी की वैल्यू आपको नहीं पता, आपको AD की वैल्यू लानी किस में है, सी तो है B की टर्म में, और B आपका ये रहा पाइथागोरस, यहां इस ट्राइंगल में पाइथागोरस नजर आ रही है, तो हम क्या लगाएंगे, AD चाहिए, बेस चाहिए, तो cos 60, cos 60 इज इक्वल्स टू हम लिख देंगे AD अपॉन B, cos 60 1 बाय 2 होता है, और यहां से AD की वैल्यू आ जाएगी B बाय 2, क्लियर। तो यहां से आ गया ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ सी इंटू बी बाय टू कैंसिल, दैट इज बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी, ये आपका ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो करेक्ट आंसर है।
क्लियर। क्वेश्चन सिंपल सा, थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का यूज हुआ है। अभी अगर आपको नहीं समझ आया हो तो कोई प्रॉब्लम, डरने वाली बात नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री जब पढ़ाऊंगा तब इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को डिस्कस कर लूंगा, बट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। क्यों? क्योंकि इसमें दो कंसेप्ट यूज हुए थे और ये बहुत पर था बहुत सिंपल सा। हमें याद क्या रखनी थी? इस थ्योरम को। जब भी ऐसा फिगर आए तो कहीं ना कहीं ऑब्ट्यूज एंगल थ्योरम का यूज हो रहा होता है। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द टॉप ऑफ टू ट्रीज 20 मीटर एंड 28 मीटर, एक 28 मीटर है और एक 20 मीटर है, इनके बीच का डिस्टेंस 17 है। क्लियर। तो चाहिए क्या? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। देखिए लग रही है पाइथागोरस थ्योरम, तो 17 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर दैट इज 225 आ जाएगा, और रूट ऑफ 225 कितना होता है? दैट इज 15। रूट ऑफ 225 आपका आता है 15। तो इन दोनों के बीच का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या है? 15। लिख के कैसे आना है? जो भी आंसर नंबर हो उसके अकॉर्डिंग सी ऑप्शन 15। एमसीक्यू में यही चाहिए। ये सॉल्यूशन नहीं लिखोगे कोई प्रॉब्लम नहीं, बट ये लिखना जरूरी है और इसी के मार्क्स हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए। ट्राइंगल एबीसी सच दैट ए बी इक्वल्स टू 3, बी सी 2, सी ए 2.5, डी ई एफ इज सिमिलर टू दिस। तो डी ई एफ सिमिलर बोल दी तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एडी। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है कि जो एरिया अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं, जैसे मैंने बोला ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डीईएफ, तो इनकी साइड्स प्रोपोर्शनल होती हैं। साइड्स प्रोपोर्शनल के अलावा इनका पेरीमीटर भी प्रोपोर्शनल है। क्लियर। बट अब यहां पे हम पेरीमीटर से नहीं जाएंगे, हम बहुत सिंपल अप्रोच से जाएंगे कि मुझे पता है एबी बाय डीई इज इक्वल्स टू बीसी बाय ईएफ इज इक्वल्स टू एसी बाय डीएफ। क्लियर। तो आपको गिवन क्या है? ईएफ और बीसी, तो यानी 2/4। 2/4 कितना हो गया? 1/2। क्लियर। यानी रेशियो सब साइड्स का कितना है? 1/2। अब एबी 3 है तो डी कितनी हो जाएगी? 6। रेशियो से सी ए 2.5 है तो डी एफ कितनी हो गई? 5। निकालना क्या है? इस ट्राइंगल का डी ई एफ का पेरीमीटर 6 + 5 = 11, 11 + 4 = 15। बी ऑप्शन 15 इज करेक्ट। लिखने का तरीका वही, आंसर नंबर बी 15। ये सब नहीं लिखोगे कोई प्रॉब्लम नहीं, मार्क्स इजीली मिलेंगे। क्लियर, नोट कर लीजिए। तो आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, और यहाँ हमने ट्राइंगल चैप्टर को भी कंक्लूड कर दिया है, और पूरा ट्राइंगल चैप्टर में जो जो प्रॉपर्टीज थी, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, मैं करा चुका हूँ। आप इस लेक्चर को लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करते रहिए करियर पॉइंट यूट्यूब चैनल को। थैंक यू।